सो गाइस, हम इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है एनी डेस्क, एंड यहाँ पे ये 16 MB की एप्लीकेशन होगी। इसको सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे ओके करके डोंट शो अगेन एंड ओके कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपका टेम्परेरी एड्रेस जनरेट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं अपने पीसी में। सो गाइस, आपको अपने पीसी में जाके सर्च करना है ANY डेस्क, एंड यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलेगा ये एप्लीकेशन, मतलब ये लिंक। इस लिंक पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। एंड गाइस, यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन की। 3 MB का एप्लीकेशन है, तो ये होने के बाद आपको सिंपली यहाँ से क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपका टेम्परेरी IP एड्रेस जनरेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम फिर से स्मार्टफोन पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा ऊपर जो एड्रेस आ रहा है। तो अगर आपको इसमें इसको अंदर चलाना है तो इसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा इंस्टॉल एनी डेस्क ऑन डिवाइस। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल कर देना है एंड यस क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो इसको आपको डाउन इंस्टॉल कर देना है एंड ये यहाँ पे आपका एनी डेस्क इंस्टॉल हो गया। अब गाइस, अब आपको चलाना है अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे गाइस जो होता है ये आपके वाईफाई से कैच भी कर लेता है। तो सिंपली आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने स्मार्टफोन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो हम आते हैं अपने स्मार्टफोन में एंड यहाँ पे आप स्मार्टफोन में यहाँ पे रिमोट एड्रेस में आपको ये वाला एड्रेस डालना है, 969 वाला। तो 9693277708 ना लिख के आपको यहाँ पे ये बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको ओके ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको परमिशन मांगेगा गाइस, देख सकते हो रियलमी RMX 2001। तो यहाँ से आपको ये हरे बटन पे एक्सेप्ट कर देना है। तो आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे आपका जो कमांड होगा वो आपके इस स्मार्टफोन में शो होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से मैं सारे एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मैं काट देता हूँ। तो गाइस, ये काफ़ी छोटी एप्लीकेशन है एंड काफ़ी अच्छी वर्क करती है। तो आपको कम स्पेस में पूरा कंट्रोल दे देती है, टीम व्यूअर की तरह से ही, लेकिन उससे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी छोटी एप्लीकेशन है। एंड यहाँ तक कि गाइस, इसको आप अगर कट नहीं करोगे तो ये आपकी लॉन्ग वर्क में भी चल सकती है। और अगर आपको ज़्यादा प्रोफेशनल यूज़ है तो उसके लिए आप इसका लाइसेंस की भी ले सकते हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो लाइसेंस की भी परचेज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।